जून से एयरलाइंस कंपनियां पूरी तरह से ई टिकट सिस्टम शुरू करने जा रही हैं, जिससे उन्हें अब तक मिल रहा कमीशन बंद हो जाएगा। अतुल मिश्रा बता रहे हैं कि इसका असर फ्रीक्वेंट फ्लायर पर भी पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी डिस्काउंट अब नहीं मिलेगा। ट्रेवल एजेंटों को अपने कारोबार पर खतरा मंडराता दिख रहा है। अब तक एयरलाइंस कंपनियां हर टिकट की बुकिंग पर एजेंटों को 5% तक कमीशन देती हैं, लेकिन 1 जून से एयरलाइंस कंपनियों के संगठन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी आईटा देश भर में ई टिकटिंग जरूरी करने जा रही है, जिससे कस्टमर को टिकट ऑनलाइन मिल जाएगा। ट्रेवल इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि ये टिकट नेट रेट पर होगा, जबकि अब तक ग्रुप टिकटिंग पर एयरलाइंस एजेंट को सस्ता टिकट देती थी और एजेंट अपने कमीशन में कटौती की गुंजाइश भी रखते थे, लेकिन अब कस्टमर टिकट पर मोलभाव नहीं कर सकेंगे। उपभोक्ता को जो डिस्काउंट अभी ट्रैवल एजेंट के थ्रू मिलता था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरलाइन डायरेक्टली कोई डिस्काउंट देती नहीं, नेट फेयर्स हैं और जो ट्रैवल एजेंट है वो नेगोशिएटेड फेयर्स पे करता है। जानकारों के मुताबिक ई टिकट की वजह से इंटरनेशनल रूट पर फ्लाइट चेंज करने पर ज्यादा किराया देना पड़ सकता है, क्योंकि आईटा के दायरे से बाहर और कई छोटी एयरलाइंस का दूसरी एयरलाइन से इंटरलाइन एग्रीमेंट नहीं है। ऐसे में यात्रियों को उनके लिए अलग से मैनुअल टिकट लेना पड़ेगा। जाहिर है कि 2 टिकट लेने पर खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। ई टिकटिंग से ट्रेवल एजेंटों की भी मुश्किल बढ़ गई है। अब तक उन्हें हर टिकट पर 5% कमीशन मिलता है, लेकिन उन्हें डर है कि एयरलाइंस कंपनियों का ये कदम उन्हें बाजार से बाहर कर देगा। एयरलाइंस को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि भाई इतने सालों से हमारी इनके साथ एसोसिएशन है, इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, एंड दे शुड सी द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रैवल एजेंट्स आल्सो। एजेंटों के मुताबिक आईटा को ई टिकट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और प्रिंटेड टिकट का स्टॉक क्लियर करने के लिए कुछ और वक्त देना चाहिए था। हालांकि आईटा ने साफ किया है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 31 मई के बाद एयरलाइंस प्रिंटेड टिकट स्वीकार नहीं करेंगी, लिहाजा सभी एजेंटों को प्रिंटेड टिकट वापस करने के लिए कहा गया है। स्टॉक वापसी के लिए आईटा स्विट्जरलैंड की एक कंपनी की सेवाएं ले रही है, जो कि दुनिया भर के एजेंटों से प्रिंटेड टिकट कलेक्ट करेगी। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और इसी के साथ सुबह लक्ष्मी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार की खबरें लेकर हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।